आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के। हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। इस संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। आप इस तरह की बिलें लाके इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं। मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो, मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ फर्जी है। मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? श्री मोही बुल्ला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब सदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में जिसमें वन मैन कमेटी आपके द्वारा बनाई गई सरकार के, और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। जस्टिस आर्यन ने जो रिपोर्ट पेश की, आज तक वक्फ बोर्ड को नहीं बताया गया, चूंकि वो आपकी मंशा के खिलाफ थी और गवर्नमेंट की मंशा के मुताबिक नहीं थी। 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आए, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने टू मैन कमेटी बनाई और टू मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो है वो पार्लियामेंट से पास शुदा है कि हम पार्लियामेंट के जो एहतराम है उसका नहीं कर रहे, उसके हुकूक का। इसी तरह से सर सूबाई हुकूमतों को इख्तियार दिया गया। सर हिंदू एंटोमन में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता, और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। चार धाम में ये लिखा हुआ वाजे तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली, और ये उनका अधिकार है जिसको माना गया है, लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान को खुद अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। और वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खमियाजा हमें अभी नहीं सदियों तक हम भुगतते रहेंगे, क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को उसकी पामाली कर रहे हैं। अगर हमें इस सिलसिले में, मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ सर। इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है, सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, सर ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिका में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की स्टॉक को नुकसान पहुंचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे, और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं पहुंच सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ कहते हैं ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो कि जनता इन हुकूक के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the WAF Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72.2.
on the grounds that this house does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25, sir. It is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to waqf al-aulad under Clause 4 and waqf by user under Section 3R1, government has sought to severely restrict how Muslims can manage their waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I, as a Muslim, cannot do. I can only give one third. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining waqf al-aulad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their property dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, ek do minute diye, sabko diya. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं, मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, डज ही हैज टू वेट फॉर 5 ईयर्स टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ? इजंट दैट वायोलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? सर, अनदर पॉइंट सर, नाउ नो सच प्रोविजन एग्जिस्ट फॉर हिंदू एंडोमेंट और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrary. Why is arbitrary? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principle rights of justice, that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DM says to Mutawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is again separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our... Okay. Secondary level officers can be appointed technical members. 83 states are joint secretary at the tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happened. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40, prejudicial amendments. And the government is, sir, khatam kar, government bol rahi hai. Sir, main khatam kar raha hu, sir, aadha minute. Government keh rahe hai ki hum mahilaon ko de rahe hai. Mujhe yakin hai ki aap Bilqis Bano ko aur Zakia Jafri ko member banayenge. Mujhe yakin hai. Main aap se janna chah raha hu, sir, ki ye jo aap bill la rahe hai, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं. माननीय, हम लोग संविधान की कसम खा करके आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है. आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर, मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है. अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फ़र्क नहीं कर पा रहे. मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं. और वक्फ बोर्ड की शक्तियों को आप ख़त्म कर करके DM राज ला करके उन तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लगभग 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी पूरे देश के अंदर वक्फ बोर्ड के पास है. आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं.
साथ मैं आप माननीय अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहता हूं कि आर्टिकल धारा 9 के तहत ये जो CWC संरचना में बदलाव किया गया है, मैं मान्यवर बताना चाहता हूं कि बंदोबस्ती प्रबंधन के अंदर जब दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता तो वक्फ बोर्ड के अंदर ये शर्त क्यों लगाने का काम किया जा रहा है। और आप अगर शर्त भी लगा रहे हैं तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कब्जे पर प्रॉपर्टी के ऊपर पूरे देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को कब्जा मुक्त करा करके अगर कानून लाते के उनको कब्जा मुक्त करा के वहां पर हम लोग शिक्षण संस्थाएं चलाएंगे, जिस आदमी ने वक्फ की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी इस नियत के साथ वक्फ की कि आने वाली नस्लों के अंदर राय खुदा के अंदर फलाह के काम किए जा सकते हैं, उन फलाही कामों के लिए उन फलाही कामों के लिए अगर अध्यक्ष जी दो मिनट अभी नहीं, एक मिनट दे दीजिए, एक सेकंड भी नहीं। श्री DM बाल योगी नहीं, श्री JM हरीश बाल योगी। थैंक यू स्पीकर सर। एक मिनट को बात, हाँ खत्म कर, कंक्लूड कर। मैं माननीय अध्यक्ष जी कंक्लूड कर रहा हूँ एक सेकंड के लिए। मैं इसके अंदर धारा 40 को माननीय अध्यक्ष जी हटाने का काम किया, इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 7812-7814 ऑफ महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड बनाम शेख यूसुफ भाई चावला अन्य के तहत प्रावधानों की जांच की धारा 40 के प्रावधानों की जांच की अपने फैसले के पैराग्राफ 170 के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से माना कि एक बहुत अच्छा कानून है। आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो, मान्यवर ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ फर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जी उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मियां अल्ताफ अहमद मियां जी चालू हो गया, मेरा चालू हो गया सर जी। सर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, ये बिल जो यहाँ पे लाई जा रही है और जिसको पास करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में पूरे मुल्क में जो भी सेकुलर लोग हैं उनको खदशात हैं, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खदशात हैं। ये बात इस हाउस को सबसे कोई भी किसी भी पार्टी का हो उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान को अगर पूरी दुनिया में जाना जाता है वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, वो अपनी जमहूरियत के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद अदलिया के लिए जाना जाता है, वो आज़ाद मीडिया के लिए जाना जाता है। आप इस तरह की बिलें ला के इस मुल्क का इमेज खराब कर रहे हैं, मेहरबानी करके इससे मुसलमानों के खदशात बढ़ रहे हैं, ऐसी चीजें मत कीजिए, इस मुल्क को मुत्तहिद रखिए, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। शुक्रिया।